तो फाइनली मैं बनाने जा रही हूँ आज मार्वल इफ़ेक्ट केक जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और आजकल ट्रेंडिंग में भी है तो चलिए देखिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना लिया है कनाश जो कि वाइट चॉकलेट का बनाया है तो सौ ग्राम मैंने ली है वाइट चॉकलेट कंपाउंड जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसमें मिक्स कर लिया है पचास ग्राम मेल्टेड विप्ड क्रीम जो कि के, केक के ऊपर जो क्रीम लगाते हैं ना तो वो मेल्ट फॉर्म में होती है तो उसमें पचास ग्राम ऐड किया है मैंने चॉकलेट में और उसको अच्छे से पिघला लिया है मैंने डबल बॉयलर का यूज़ करके डबल बॉयलर आप कैसे यूज़ करेंगे कि आप एक बड़े बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दीजिए उसके ऊपर किसी और बर्तन में बॉल वगैरह में ये चॉकलेट और क्रीम दोनों एक साथ मिक्स करके और उसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर छोटे छोटे पीसेस रह गए हैं ना चॉकलेट के वो भी इस इसमें इससे अलग हो जाए और एकदम स्मूथ गनाश हमें मिले तो इसको मैंने छान लिया है ये देखिए अगर आपके पास विपड क्रीम नहीं है गनाश बनाने के लिए तो आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अमूल की फ़्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर इसको मैंने छान लिया है और ये गनाश हमारा बनकर रेडी है अभी ये थोड़ा गर्म है इसको ऐसे ही अप्लाई नहीं करना है हमें केक के ऊपर वरना केक की जो क्रीम है ना ये ऊपर दिख रही है ये सारी मेल्ट हो जाएगी तो इसको हम पहले रूम टेम्परेचर पे आने देंगे उसके बाद इसको केक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इस केक को मैंने क्रम कोटिंग कर ली थी और उसको अच्छे से क्रीम लगा के स्मूथ भी कर लिया था और उसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था अब हम इस पर मार्बल इफ़ेक्ट बनाएंगे ये हमारा गनाश है जो कि ठंडा हो चुका है और मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर थ्री कलर्स यूज़ कर रही हूँ तो ये है ग्रीन कलर तो इसके चार पांच ड्रॉप्स इस गनाश में हमें डालने हैं इसको डालकर मिक्स नहीं करना है हमें बस यूँ ही ड्रॉप्स डालने हैं और छोड़ देना है इसी तरीके से मैं येल्लो कलर के चार पाँच ड्रॉप्स डाल दूंगी इस तरीके से थोड़ी दूर दूर पर इस तरीके से ड्रॉप्स डाल देने हैं अगर आप और कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप वो भी कर सकते हैं या सिर्फ एक ही कलर का बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं या सिर्फ ग्रीन सिर्फ येलो या फिर एक मतलब सिर्फ रेड और जब मैं इसको पोर कर रही थी ना तो मेरा कैमरा ही ऑफ हो गया और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई कि इसको कैसे इसके केक के ऊपर अप्लाई करना है लेकिन थोड़ी सी कटोरी में हमारी गनाश बची हुई थी और मैंने देख लिया कि कैमरा ऑन नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा ये जो रह गया है तो लास्ट में आपको दिखा रही हूँ कि इसको इस तरीके से पोर करना है केक के ऊपर तो हमारा मार्बल इफ़ेक्ट एकदम अच्छे से आएगा कहीं भी इसको इस इधर उधर ऐसे ही डालिए कोई भी इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है आपको जहाँ मन करे वहाँ पर आप गनाश को इस तरीके से डालिए और ये देखिए हमारा मार्बल इफ़ेक्ट कितना अच्छा आया है और ये हमारा केक बनकर हो गया है रेडी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाय बाय एंड टेक केयर